नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए नीमच जिले की विशेष खबरें। नया गांव टोल के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इससे बाइक पर सवार महिला को सिर व पैर में गंभीर चोट आई। 108 एम्बुलेंस से महिला को जिला अस्पताल भिजवाया। शनिवार सुबह निम्बाहेड़ा निवासी अर्चना उम्र 35 वर्ष पति कमल यादव नीमच से निम्बाहेड़ा की ओर जा रहे थे, तभी नया गांव टोल के पास पहुंचते अर्चना की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इससे अर्चना को सिर व पैर में गंभीर चोट आई। वहीं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने MBBS और BDS प्रोग्राम में 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातक काउंसलिंग कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधन के तहत नीट UG काउंसलिंग में सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन अब 16 सितंबर तक होंगे। 17-18 सितंबर को सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी। नीट UG के दूसरे राउंड के अलॉटमेंट 19 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। स्विम फ्लाई स्पोर्ट्स क्लब के तैराक सिद्धांत सिंह जादोल सीनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता के लिए मंगलोर के लिए रवाना हुए। वहीं CBSE वेस्ट जोन इंदौर के लिए सिद्धि राठौर, त्रिशा शर्मा, अनुज मोहित एवं SSBM राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए इशिका मनोज खुलवारी, अनुराग श्याम पांडे, अक्षत नरेंद्र साहू भोपाल के लिए रवाना हुए। इनके साथ कोच सुधा सोलंकी, आयुष गौड़, नीलेश घावरी, अभिषेक अहिर व रोहित अहिर भी रवाना हुए। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।